नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 50 गज का बहुत ही अच्छे फ्रंट का प्लॉट। आज की इस वीडियो में हम आपको 50 गज का जो प्लॉट दिखाने वाले हैं उसमें 18 फुट का मत्था है और 25 फुट की गहराई है। और दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो गली आपको दिख रही है, गली भी जो है लगभग 20 फुट की है। थोड़ा सा इसको लूज कर लेते हैं। हाँ, गली जो है कि 20 फुट की है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये वाला प्लॉट है जिसपे मीटर भी लगा हुआ है और ऑलरेडी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन है इस पर। तो इस प्लॉट में 18 फुट का फ्रंट है, 25 फुट की गहराई है और इसमें अगर आप कोई घर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन घर का बन जाएगा, जिसमें आपके नीचे पार्किंग भी हो जाएगी और सीढ़ी भी जो है निकलने के बाद स्पेस बच जाएगा जिसमें आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्लॉट के बारे में विस्तार से जानते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जो है कि चारों तरफ का ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर इस पर जो है कि डिटेल में डिस्कशन करेंगे। प्लॉट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं कि पहली बात तो कुछ घर मतलब बना हुआ भी है, कुछ मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और इसमें बिजली का तो मीटर लगा ही हुआ है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि बिजली का मीटर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और TPDDL पावर की यहाँ पे जो यानी टाटा पावर की यहाँ पे बिजली का मीटर लगा हुआ है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपका आप ये देख सकते हैं कि पानी का कनेक्शन भी दिया गया है और ये जो प्लॉट है यहाँ से लेकर जहाँ पे कनेक्शन है लमसम थोड़ा आ गया, थोड़ा पीछे 2-4 इंच और जहाँ तक मीटर लग रहा है वहाँ तक जो है कि आपका इसका फ्रंट है और फ्रंट भी 18 फुट का है। 50 गज में 18 फुट का फ्रंट मिलना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस प्लॉट में आपको 18 फीट का फ्रंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी है जिसकी वजह से आपको इसमें कुछ मटेरियल भी मिल जाएगा। और अगर हम बात करें पूरे 50 गज के प्लॉट की तो पूरा 50 गज का प्लॉट आप ले सकते हैं, लेकिन हमने एक ऑप्शन और रखा है इसमें और वो ये रखा है कि अगर कोई भाई बंधु 50 गज नहीं ले पा रहा है और छोटा प्लॉट चाहिए चौड़ी गली में, यानी कि बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र आते हैं जो कहते हैं कि भाई देखो हमें प्लॉट चाहिए छोटा लेकिन चौड़ी गली में, तो भाई चौड़ी गली में आपको प्लॉट मिलना वो भी 25 गज 30 गज बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने एक ऑप्शन निकाला है कि भाई इसमें 18 फुट का मत्था है, अगर दो लोग लेंगे तो हम उसको 25-25 गज के हिसाब से यानी कि 9 फुट का मत्था और 25 फुट की गहराई, ये आपका 9x25 का साइज बन जाएगा और आपको 25 गज का प्लॉट मिल जाएगा। चलिए इसके आगे की बातें जो है हम थोड़ी दूसरी लोकेशन पे करेंगे, यानी कि आपको बाहर ले चलते हैं और 25 फुट का जो है रोड भी दिखा देते हैं कि कैसी लोकेशन में आपको प्लॉट मिलेगा और आने का जो रास्ता है वो कैसा है। तो दोस्तों देख सकते हैं 25 फुट का रोड है, थोड़ा सा गला खराब है उसके लिए सॉरी, 25 फुट का रोड है और दिन पे दिन जो प्लॉट खरीद रहा है सब घर का ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको ये पूरा इलाका जो है कि भरा दिखाई देगा। और इस ऐसी ही लोकेशन में, अच्छी लोकेशन में आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो घर बना हुआ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी पॉश इलाके ऐसा घर दिखता है। तो इसी के साथ ही गली जाती है 20 फुट की, इसको हम बोलते हैं हनुमान मंदिर वाली गली। आप ऊपर देखेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है छठ पूजा पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर पीछे की तरफ जो है जहाँ पर प्लॉट है हमारा उससे कुछ कदम की दूरी पर अगर हम चलेंगे तो हमें मिलेगा हनुमान मंदिर और उसके बाद छठ पूजा पार्क है। तो दोस्तों देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं उनकी। तो देख सकते हैं आप कि रोड और नालियाँ तो बनी हुई हैं ऑलरेडी, सीवर का काम पूरी कॉलोनी में बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि डी ब्लॉक में और ई ब्लॉक में आप स्क्रीन पे देखिए ये जो है कि डेवलपमेंट हो चुका है पूरा और बहुत जल्द आपको ये सारे ब्लॉक भी ख़त्म होते नज़र आएंगे। तो सीवर की टेंशन छोड़ दीजिए, इस साल के अंत तक पूरी दिल्ली की हर कॉलोनी में सीवर मेरे हिसाब से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अगर सारी कॉलोनियों में सीवर चालू हो गया तो दिल्ली की जो सकल सूरत है गंदगी की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं और चीज़ों की, जैसे स्कूल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उनकी क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल तो आपको 10वीं 12वीं के दुनिया भर के मिल जाएंगे। सबसे बड़ा स्कूल जो प्राइवेट में है वो है हीरालाल पब्लिक स्कूल जो कि भागी बिहार के सामने पड़ता है, मदनपुर चौक के पास पड़ता है। रानीखेड़ा गांव के पास आपका 12वीं तक का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। मुबारकपुर, ये कॉलोनी बहुत बड़ी है, 3 किलोमीटर² का दायरा लगता है, तो मुबारकपुर लास्ट एंड पड़ता है इसका। तो मुबारकपुर के साथ ही
दो स्कूल हैं 12वीं तक के बड़े बड़े, जहाँ पर 12th तक की हर स्ट्रीम की पढ़ाई होती है। हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, नर्सिंग होम दुनिया भर के हैं, लोकल डॉक्टर तो हर गली में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं तो कोई बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल आस पास नहीं है। प्रपोज्ड हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, जो कि रानीखेड़े की ही ज़मीन पर, इस कॉलोनी के बिल्कुल बगल में रानीखेड़ा की ज़मीन पर दिल्ली सरकार का 500 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है। और मैं इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, मैं भूल गया एक्चुअली कितने बेड का है, लेकिन हाँ 500 से ज़्यादा ही बेड का हॉस्पिटल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पर बनना है। और रानीखेड़ा मुंडका कॉम्प्लेक्स जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका भी प्रोजेक्ट है, अब वो देर सवेर जब भी होगा शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। तो लोकेशन के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर में आने वाला है यहाँ पर, वो किसी और लोकेशन से 1000 गुना बेहतर है। तो दोस्तों चलिए, ये तो हो गई आपकी सुविधाओं की बात, लोकेशन की, प्लॉट के लोकेशन की बात, कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से ये गाड़ी आपको जाते दिखाई दे रही होगी जो अभी गई है, ये जो थ्री व्हीलर गया है एस टाटा एस, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी टाटा एस की है, और वहाँ से 100 मीटर की दूरी आपकी रानीखेड़ा चौक की है, जहाँ पर बस स्टैंड है बकायदा, यानी मुंडका कराला रोड पे रानीखेड़ा चौक, जिसकी दूरी मुंडका मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर है। आपको जो है कि मेट्रो की दूरी यहाँ से मिल जाती है लगभग 2 किलोमीटर की, और बस स्टैंड यहाँ से मात्र 150 मीटर पर है। तो कनेक्टिविटी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है अभी जीपीए पे है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे है, और सबसे अच्छी बात जो है इसमें वो ये है कि इसमें कोई लोन नहीं होगा, क्योंकि लोन एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है सर पे, ठीक है, इसमें नहीं होगा, आप अपने एंड से करवा सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर कोई सैलरीड है जिसकी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है, तो उसका थोड़ा बहुत लोन हम करा देते हैं, लेकिन सैलरी 25 हज़ार प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लॉट के प्राइस की, तो ये 50 गज का प्लॉट अगर कोई एक बार में लेता है, यानी कहने का मतलब ये कि पूरा 50 गज लेता है, तो उसको मिलेगा ये मात्र 13,75,000 रुपये में। और अगर कोई ये प्लॉट जो है आधे आधे हिस्सों में लेता है, तो एक 25 गज का जो साइज बनेगा इसमें, उसका प्राइस होगा 7 लाख रुपए नेट, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, पहले बता दूं, क्योंकि जिसमें होती है उसमें मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पे कुछ मान सम्मान हम आपका करेंगे, लेकिन इस वाले में हम आपका कोई मान सम्मान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।